सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है और मैं वार्ड 13 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। सर वार्ड नंबर 13 के लिए आपके विकास के कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए वार्ड नंबर 13 में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। जितना मैं पिछले काफ़ी टाइम से वार्ड में घूमा हूँ तो चारों तरफ शिकायत ही शिकायत हैं और हर वार्डवासी परेशान है। कहीं विकास का कुछ भी काम नहीं हुआ है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बंदरों की समस्या हो। ये जो एक उम्मीदवार के रूप में और एक प्रत्याशी के रूप में और एक वार्ड मेंबर के रूप में जो होते हैं, वो काम हमारे वार्ड में पिछले 5 साल में बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। और मेरा पूरा प्रयास है कि ये कार्य जो एक वार्ड मेंबर के होते हैं, ये सारे कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण होंगे। और मैं सबसे खास मुद्दा जो है आयुष्मान कार्ड का, उस पर मैं फोकस रखूँगा। और 2 महीने के अंदर मेरी वादा है पूरे वार्डवासियों से कि 2 महीने के अंदर प्रत्येक मकान में सबके आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे। आप अपने वार्डवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये नियम है कि जो केंद्र की योजनाएं प्रदेश में जब भी लागू होंगी, जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, और उन योजनाओं को अपने शहर में लाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, चाहे वो चेयरमैन का हो या पार्षद का हो, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होना चाहिए, तभी वो योजनाएं केंद्र की हमारे वार्ड तक पहुंचेंगी। तो एक जो मेन मुद्दा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने पिछले 40 साल रोटरी के माध्यम से सेवा की है और ये सेवा जो समाज सेवा है व्यापक रूप में की है। पिलखुए का कोई विद्यालय, कोई डिग्री कॉलेज, कोई छोटा कॉलेज ऐसा नहीं होगा जहाँ मैंने रोटरी के माध्यम से सेवा नहीं की है। तो मेरे पूरे पिलखुए में पहचान है सेवा के माध्यम से और यही फील्ड मैंने अब चुना है। और ये जो मेडिकल कैंप हो गया या कैंसर डिटेक्शन कैंप हो गया या जितनी तरह के भी कैंप हैं, मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। सारे डॉक्टर्स हमारे पास हैं, पूरी मेरे पास रोटरी की टीम है, मैं उनके माध्यम से समस्त वार्डवासियों की सेवा करना चाहता हूँ। और मेरा हाथ जोड़ के सभी वार्डवासियों से अनुरोध है कि जाति पाति का भेद मिटाकर और सिर्फ कमल का फूल, मोदी जी और योगी जी को ध्यान रखें, शिव कुमार शर्मा को ध्यान ना रखें, विभु बंसल को ध्यान ना रखें, सिर्फ कमल का फूल और मोदी जी और योगी जी। सभी से मेरा अनुरोध है कि 11 तारीख को भारी मात्रा से अपनी बहुमत से अपनी सरकार बनाएं। धन्यवाद। नाम आपका? सुनील कुमार। वार्ड नंबर 13 में सर्वे कर रहे हैं, इस बार कौन से प्रत्याशी से आप जिता रहे हैं? शिव कुमार शर्मा। आखिर क्यों? ये 6 मेंबर यही से किए, यही मेंबर सही है, ये 6 मेंबर कोई ना कोई तो बात रहा होगा इसलिए आप वोट दे रहे हैं। बस सज्जन है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। आप किस वार्ड से हैं भैया? वार्ड नंबर 13 से हूँ। अच्छा, आपके वार्ड में आपकी बात किसे जिता रहे हैं? क्या हम शिव कुमार शर्मा को जिताना चाहते हैं? आखिर क्यों? उनकी छवि बहुत बढ़िया है, अच्छे स्वभाव के आदमी है, कार्यशील हैं और जो खूबी मेंबर में होनी चाहिए और सारी खूबी उनमें है। क्या नाम चाचा आपका? रावतार बंसल। किसे जिता रहे हैं इस बार? शिव कुमार शर्मा बीजेपी। आखिर क्यों जिता रहे हैं? बढ़िया आदमी है, वार्ड के सबसे बढ़िया आदमी है, सीधे है, सबके साथ मिलजुल कर चलने वाले। हम क्या नाम भैया आपका? मनीष कुमार, मोहल्ला बिकनपुरा, वार्ड नंबर 13 थे। हम शिव कुमार भैया को जिता रहे हैं और पूरी मोहब्बत से पूरे अपने समाज। हमारा मामला यह है, देखो जानते पहचानते सबको है, सब सबके दौरे बैठते हैं, उठते बैठते हैं। चुनाव हकीकत में हम तो कह रहे हैं, कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री मोदी है और अपना योगी जी है, जो बहन बेटी हमारी घर से निकलती है उनको मान सम्मान, अच्छा व्यवहार मिल रहा है। हम तो ये कह रहे हैं आगे वाली पीढ़ी भी और आने वाली पीढ़ी भी वो होना चाहिए, जो हमारी बहन बेटी सुरक्षा निकलती रहे, वह सुरक्षा चली जावे घर से, और घर को अपने बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, सुबह को भी शाम को आते हैं, अपने लौट के आते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, उनका मान सम्मान
परमिशन जो हमारे अधिकारी जो बैठते हैं मोदी जी ने योगी जी ने जो कर रखा है बहुत अच्छा देश में अपने यूपी में कर रखा है। और बाकी वार्ड हमारी समाज से कह रहा हूँ, आज भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, वार्ड नंबर 13 है, शिव कुमार भैया को बहुत अच्छी तरह से वोटों से अच्छी तरह से निकाल के वार्ड को ले जाओ निकाल के। सर आपके मैं आज देखो सुनो इस बात को भी कहूँगा, सर आपके ऊपर नहीं रहो चुनाव, सर आपके ऊपर नहीं रहो चुनाव, चुनाव रहो आदमी के व्यवहार से, बिरादर से नहीं जाओ, बिरादर से जाओगे मान सम्मान से अपना चुनाव हाथ में ले लो, मुट्ठी भींच लो योगी जी की।